तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड 10 में जो ऑलवेज ऑन स्क्रीन का ऑप्शन, ये डिस्प्ले का ऑप्शन आ चुका है, जिससे ये टाइम दिखाता रहेगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत सारी नई आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में अगर कुछ चीज़ें अगर मैं भूल जाता हूँ या फिर मैं नहीं बता पाता हूँ आपको बताओ, तो यार गाइस प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो आते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में। तो जाते हैं, ये देखो मेरा एंड्रॉयड 10 अपडेट। तो वैसे अब पढ़ते एक धीरे धीरे करके एक के बाद एक ऑप्शन पे। तो अब सबसे पहले देखो, हम जाएंगे एम्बिएंट डिस्प्ले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टाइल करके आ रहा ना, ये लिखा हुआ स्टाइल के अंदर आप जाओगे तो डिस्प्ले क्लॉक डेट टाइम नोटिफिकेशन एंड अदर आइटम व्हेन, फिर तो कुछ लिख ही नहीं रखा। तो अब मैंने ये ले रखा ये वाला, तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब मैं आपको कोई एक सिलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ ये हो गया। अब इसके बाद जो नीचे टाइमिंग दे रखा ना, इसका भी अपन कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे उसके ऊपर टच करना पड़ेगा, फिर आप कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यार मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा यही लगा, और साथ में इसका कलर मेरे को यही ब्लू अच्छा लगा, तो मैं इसी को रखूँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है व्हेन नोटिफिकेशन कम एंड द स्क्रीन इज़ ऑफ। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो जब नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन ऑफ रहेगी, तो इस तरह से ये चीज़ करेगा। तो ये वाला सब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बट मैं अभी कुछ रख रखा नहीं है क्योंकि मुझे शौक नहीं है ये रखने का। तो उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर, और तो कुछ नहीं, स्क्रीन ऑफ होकर ठीक है ये हो गया। इसके बाद जाते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जाने के बाद एक नया ऑप्शन आया इसमें डार्क मोड का, जिसे ऑन कर सकते हो आप, तो ये पूरा डार्क मोड में चला जाएगा। तो मैं तो वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ रात को यूज़ करता हूँ ये वाला ऑप्शन। उसके बाद सेटिंग से बाहर आ गया मैं पूरा। उसके बाद चलते हैं अपन होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे भी ये ऐप ड्रॉवर है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाओगे तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में वाइट लाइट डार्क और सिस्टम वाला है। तो अब ये क्या क्या चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। अभी आप बैकग्राउंड देख सकते हो मेरा ये वाला बैकग्राउंड है। तो अगर मैं इसे डार्क सिलेक्ट करके फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर कम ज़्यादा करता हूँ ना, तो ये देखो पीछे वाला बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी आपको देखने के मिलेगी ऐप ड्रॉवर से। तो आप यहाँ से इन तीनों में से उसकी पीछे वाले बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद आप देखोगे तो ओरिजिनल लेआउट, तो फिर आता आइकन साइज़। तो आप यहाँ से आइकन की साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखो। तो मेरी जो भी है मैं वही रखूँगा आइकन साइज़। तो उसके बाद बढ़ते अगले ऑप्शन पे, हमारे होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन तो हो ही गया, तो अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं वॉलपेपर पे। तो इसमें काफ़ी सारे वॉलपेपर आए हुए अच्छे अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आप वॉलपेपर भी काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो इसमें बिना किसी दिक्कत के। और थीम्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी नया ऑप्शन आया, पहले नहीं था ये। फिर एक और नया ऑप्शन इन्होंने ऐड किया परफॉर्मेंस मैनेजर का, जो कि पहले नहीं था ये, पहले उसके अंदर था शार्क स्पेस के अंदर, जो इन्होंने अभी यहाँ पे दे दिया। उसके बाद एडिशनल सेटिंग ये आप देख सकते हो। तो इसके अंदर फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी, अगर आप फुल स्क्रीन यूज़ करना पसंद करते हो।
फिर उसमें आप देख सकते हो ये जो क्विक पोल वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये दरअसल। एक ये जैसे मैं ऑन कर दिया मैंने इसको, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक ये जैसे आईफोन में आता है ना एक, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, तो इसको जब प्रेस करोगे तो ये सारे आ जाते हैं। इससे आप बेक भी कर सकते हो, जैसे जैसे दबाऊंगा ये बेक हो गया। तो मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं फ़िलहाल इसे बंद कर देता हूँ। साथ में इसमें आप 100 मोड भी देख सकते हो यहाँ से, और स्क्रीन आपके हिसाब से सेट कर सकते हो 3.5 इंच, 4.0 और 4.5 इंच, जो भी आप रखना चाहो। तो इसके बाद चलते एप्स में। तो इस एप्स में आपको डुअल एप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था। एंड्रॉयड 9 में ये चीज़ नहीं थी, अब आप डुअल एप्स भी इसके साथ चला यूज़ कर सकते हो। डुअल एप्स का ऑप्शन आ चुका है इसमें, और साथ में ऐप लॉक भी आ चुका है, जिससे आप ऐप पे लॉक लगा सकते हो आपके हिसाब से, ये जो कि पहले नहीं था। एंड्रॉयड 10 अपडेट में ये आ चुका है। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन बार की, जो कि पूरा MI के जो डिवाइस आते हैं ना, MIUI, उसकी तरह इन्होंने नोटिफिकेशन बार को कर दिया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। स्क्रीन रिकॉर्डर भी एक ऐप साइड में दे दिया, पहले तो ढूंढना पड़ता था, मेरे को भी नहीं मिला था, तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन बार से स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करता था। और इसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन का न्यू ऑप्शन आया है, जो पहले नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, तो फिंगरप्रिंट अनलॉक में जाएंगे, तो उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड हो डालना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो आप यहाँ पे बहुत सारे अब चेंज कर सकते हो। मैंने ये वाला रख रखा है, अभी ये भी है। फिलहाल मैं आपको लॉक करके अनलॉक करके बताता हूँ। तो अभी ये देखो, ये वाला अपडेट है, फिर आपको जो जो रखना हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो भी आप देखो, मैं ये रखता हूँ और फिर मैं इसको लॉक करके अनलॉक करता हूँ। तो देखो, तो मुझे तो ये स्टार लाइट वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं ये रखता हूँ। और गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस की, एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 में फिंगरप्रिंट स्कैनर पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि पहले इतना अच्छे से फास्ट, मेरा पता नहीं क्यों पहले स्लो काम करता था। अभी जब से एंड्रॉयड 10 अपडेट किया ना मैंने, उसके बाद से फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा वर्क करता, मतलब जो बहुत जल्दी मेरे थंब को एक्सेस कर लेता है, बहुत जल्दी अनलॉक कर लेता है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक की थी, और कुछ ऑप्शन अगर मैं भूल चुका हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और गाइस, वीडियो अपलोड करने में मैं लेट हो गया, क्योंकि यार गाइस, मैं सीज़न 12 में कॉन्करर पुश कर रहा था, इस वजह से मैं वीडियो एंड्रॉयड 10 की ला नहीं पाया था, और तुम्हारा भाई कॉन्करर पहुँच भी चुका है, तो वो सबसे अच्छी बात हो गई मेरे साथ। तो अब से वीडियो आती रहेगी, और बहुत जल्द इसके एंड्रॉयड 10 की गेम प्ले में जो परफॉर्मेंस मेरी सुधरी है, या फिर जो डिवाइस की कह लो, डिवाइस की जो परफॉर्मेंस सुधरी ना, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे की आने वाली गेम प्ले वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।